अयोध्या में एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उस बलात्कार में सपा नेता मोहित खान को आरोपित कर दिया गया और बाद में ये मांग उठी कि इनका डीएनए टेस्ट हो और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोहित खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोहित खान के सभी मकानों और दुकानों फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया। भाजपा सरकार बलात्कारियों को बचाने का और सपा के नेताओं को फंसाने का काम करती है, ये डीएनए जांच से स्पष्ट हो गया। अब जब डीएनए जांच आ गया तो मोहित खान के जो मकान जो फैक्ट्री बुलडोजर से गिराई गई थी उससे उन्हें कैसे न्याय मिलेगा। भाजपा की सरकार में पूरे प्रदेश में बलात्कार अपहरण लूट हत्याएं हो रही हैं और भाजपा सही आरोपियों को बचाने का और फर्जी आरोपियों का इनकाउंटर करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में नाबालिग बेटी से मोहित खान ने राजू ने बलात्कार किया था और राजू की डीएनए जांच जो है की रिपोर्ट में आ गया, इससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा फर्जी तरीके से सपा नेताओं को बंद करने का प्रयास करती है।